सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो ये एरिया है, देख सकते हैं, ये है मयूर विहार थर्ड। और यहां से निकलते हुए आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं न्यू अशोक नगर RRTS के स्टेशन के उस पर कितना कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, वो आप लोग देखेंगे अपनी आँखों से। ये बायोडक्ट पहले ही क्लियर कर लिया जा चुका था और जो देखने के लिए मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा न्यू अशोक नगर तक का, क्योंकि उसके पास में ही है बायोडक्ट। और आपको बता दूं कि दोनों तरफ ये लॉन्चर लगा हुआ है, इधर कौंडली की साइड में लॉन्चर लगा हुआ है, जैसा कि आपने लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ न्यू अशोक नगर से लेकर और आपको सराय काले खां तक का कि उस पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है, वो सब कुछ आप लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसे लगते हैं। और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दोस्तों। तो देख सकते हैं पूरा बायोडक्ट यहाँ क्लियर हो चुका है। और आपको बता दूँ इस पर पैराफिट बॉल भी लगा दिए जा चुके हैं, अब इन पर इलेक्ट्रिक सिटी के जो खंभे हैं वो लगाए जाने हैं। और इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लग जाने के बाद में फिर इन पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा दोस्तों। पूरा बायोडक्ट देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो चुका है और इस पर पैराफिट बॉल बनाने का जो काम था वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर इलेक्ट्रिक सिटी के जो खंभे हैं वो लगाए जाने, फिर उन पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर ओवरहेड वायरिंग लगाई जाएगी। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो नज़ारे। और ये है मयूर विहार थर्ड का एरिया देख सकते हैं। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं चल के न्यू अशोक नगर का मेट्रो क्या नाम है RRTS का स्टेशन कैसा बनाया जा रहा है, किस तरीके से बन रहा है, वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। तो उसका आगे का दिखाएंगे आज, पूरा ही आपको क्लियर कर देंगे कि सराय काले खां तक कितना कुछ वर्क चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, वो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहो केपी संत के साथ में दोस्तों। तो देख सकते हैं लॉन्चर ये यहाँ पर लगा हुआ है और ये जा रहा है न्यू अशोक नगर के लिए। RRTS के स्टेशन को देख सकते हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर को कैसे कनेक्ट करता है इस लॉन्चर द्वारा देख सकते हैं। देखो ये उठा हुआ है, देखो इसने एक तो इसको जोड़ दिया है बायोडक्ट को, जो इसके विंग्स हैं वो एक उठा रखा है। और भी ऐसे ही सारे, मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच के जितने भी विंग्स होते हैं वो उठा कर ऐसे ही ये कैप्चर कर लेता है दोस्तों। और देख सकते हैं ये आ चुका है न्यू अशोक नगर का स्टेशन दोस्तों, RRTS के स्टेज। तो देख सकते हैं ये अभी गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और एक पे फ्लोरिंग का भी काम हो चुका है, तो यही वर्क चल रहा है। और ऊपर के दो जो कैप बनाने का काम है वो चल रहा है, यानी कि कॉन्कोर्स लेवल का तो ये कंप्लीट हो चुका है। और उधर ये पिलर बनाया जा रहा, भरे जाने, देख सकते हैं आप लोग अपनी आँखों से। देखो अभी यही वर्क चल रहा है यहाँ पर, देखो ये अभी इस पर पिलर का जो पिलर कैप का काम है वो किया जा रहा है। दोनों साइड में देख दो सेटरिंग लगी हुई है, ये पहले कॉन्कोर्स लेवल का पहले ये पिलर कैप को बनाया जाएगा, फिर इसके बाद में सेकंड फ्लोर के लिए बनाया जाएगा। और ये राइट साइड देखिए, लेफ्ट हैंड पे ये जाती है मेट्रो, ये देख सकते हैं ये है ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन है और ये जा रही है नोएडा के लिए। और ये है यूँ यहाँ पर न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन को दोस्तों, और दूसरा हो जाएगा RRTS का स्टेशन। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये मेट्रो स्टेशन को ये RRTS क्रॉस करेगी, देख सकते हैं ये सरियाओं को जाल बना के खड़ा कर दिया जा चुका है। इसमें रिंग लगाए जा रहे हैं और रिंग लग जाने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट की मदद से ये भरे जाएंगे, फिर इन पर पिलर कैप का काम किया जाएगा दोस्तों। जैसे ही हम इसको ब्लू लाइन को क्रॉस करते हैं और आपको इधर चलते हैं यमुना रिवर की तरफ, तो आप लोग देखेंगे दोस्तों ये है नाला और नाले पे ही ये वर्क चल रहा है। अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है नाले के बीच में, पहले मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी डालने के बाद में फिर इस पर पाइल किया जाता है, क्योंकि ये क्रेन मशीन है, ये यहाँ पर आने के लिए खड़ी की जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये मतलब पाइलिंग की जा रही है मशीनों द्वारा। इसमें आपको बता दूं कि ज़मीन के अंदर यहाँ पर इस नाले के बीच में 10 होल किए जाएंगे नीचे ज़मीन के, फिर इनके बाद में एक पिलर ऊपर खड़ा किया जाएगा।
तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मिट्टी डालने का काम चल रहा है। देखो ये नाले के बीच में ही पिलर बनाए जाएंगे और बन जाने के बाद में फिर इस पर एक पिलर खड़ा किया जाएगा। जैसे कि वो पिलर बन चुका है उधर का, यानी कि जो हम आएंगे उधर की साइड से, किधर अक्षरधाम से नोएडा की तरफ जाएंगे, तब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं अभी एक पिलर की तो इन्होंने पाइलिंग कर दी है। देख सकते हैं ये ज़मीन के अंदर धस गया, ये देखो ये एक पिलर की पाइलिंग कर दी है इन्होंने और इस पर कंक्रीट भी डाल दिया है अंदर। और ऐसे ही इसमें अभी 4-5 हॉल और होने, यानी कि पानी के अंदर जैसी ज़मीन होती है उसी तरीके से ये ज़मीन के अंदर हॉल किए जाते हैं। और फिर उसके बाद में इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा और फाउंडेशन बनाने के बाद में इस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा, यानी कि सरियाओं का जाल खड़ा कर दिया जाएगा। फिर सरियाओं के जाल में उनमें रिंग लगाए जाएंगे गोल गोल, फिर उसके बाद में इसमें कंक्रीट की मदद से ये भरा जाएगा दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है अभी इस साइड में, न्यू अशोक नगर की साइड में। तो अभी पाइलिंग का ही काम चल रहा है यहाँ पर ज़मीन के अंदर, और पाइलिंग हो जाने के बाद में फिर आपको पता ही है कि पिलर बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पाइल कर दिए गए हैं और अब दूसरा पिलर वो बनाया जा रहा है वहाँ पर, और तीसरा पिलर के ये पाइलिंग कर दी गई है, लंबे लंबे बनाए जाएंगे। तो देख सकते हैं ये आ चुके हैं हम यमुना रिवर की तरफ, देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल पिलर कंप्लीट हो गए हैं, आधे पिलर बिल्कुल कंप्लीट हो गए और देख सकते हैं आधे पे ये काम चल रहा है अभी। देखो ये इनकी हाइट ऊंचाई पे है ना, तो इन पे अभी रोड को क्रॉस करेंगे, फिर इसकी नई न्यू अशोक नगर के मेट्रो स्टेशन को भी क्रॉस किया जाएगा, फिर उसके बाद में इनकी हाइट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो आधी हाइट हो चुकी है, आधी अभी और ऊंचे अभी हाइट की जाएगी इनकी, फिर इन पर पिलर कैप का काम किया जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो आप लोग बताओ कि केपी संत आप लोगों के बीच में कैसी वीडियो बनाता है और कैसी लाता है वो आप लोगों को बताता है। तो देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल की मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि कितना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो भी है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और आपको बता दूं आपके लिए एक खुशखबरी है, जितने भी हमारे दोस्त यार जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर जितने भी देखते हैं उनके लिए मैं इस दीपावली के बाद में नए कैमरे से 4K में वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है, फाउंडेशन किस तरीके से बनाया जाता है वो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों। देख सकते हैं अब हम चल रहे हैं DND की साइड में, और DND की साइड में देखो एक पिलर ये बचा हुआ है जो अभी इसका फाउंडेशन बनाया जाएगा दोस्तों। अब फाउंडेशन बन जाने के बाद में फिर इस पर देख सकते हैं जैसा ये सेटरिंग लगी हुई है उसी तरीके से ये पिलर कैप का काम चल रहा है, इधर भी ये भरा जाएगा पिलर। और ये हम आ चुके हैं DND के ऊपर, और देख सकते हैं ये यमुना रिवर इसके लास्ट में है, उससे पहले ये बायोटेक देखो यहाँ पर ये दोनों क्रेन मशीनों के द्वारा ये यहाँ पर बायोडक्ट जोड़ा जा रहा है, और इसके उस साइड में है यमुना रिवर। तो देख सकते हो वो जो आपको क्रेन मशीनें चमक रही हैं वो लास्ट में वो यमुना रिवर के अंदर हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये DND का पार्ट, DND के बीच में एक पिलर है, और देख सकते हैं ये है टोल प्लाजा जो कि बंद कर दिया चुका है, और ये मयूर विहार की तरफ से ये DND में कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, यानी कि यमुना रिवर में जाके मिल जाता है। तो देख सकते हैं ये है यमुना रिवर का सीन। तो यहाँ पर तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये क्रेन मशीन द्वारा ये बायोडक्ट को जोड़ा जा रहा है, फैक्टरिंग लगी हुई है क्योंकि इन्होंने 3 पिलर तो कनेक्ट कर दिए हैं। और ये है यमुना रिवर, देख सकते हैं यमुना रिवर पीछे निकल चुकी है। आप जब जा रहे हैं हम आपको बता दूं दोस्तों सराय काले खां की तरफ। और ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो दोस्तों। तो देख सकते हैं एक लॉन्चर ये लगा हुआ है,
जो कि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहा है। आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं कि विंग्स को किस तरीके से ये लॉन्चर उठाता है, फिर एक साथ इसको कनेक्ट करता है। दोस्तों 4 से 5 दिन में ये एक पिलर से दूसरे पिलर को ये लॉन्चर कनेक्ट कर देता है। जो कंपनी वर्क कर रही है वो है एफकॉन्स द्वारा, यहाँ पर कंपनी वर्क कर रही है और ये एफकॉन कंपनी का ही ये लॉन्चर लगा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं तस्वीर, और ये सीन है डीएनडी का, ये है डीएनडी जो आ रहा है आश्रम की साइड से, और ये पिलर देख रहे हैं ये जा रहा है, आपको बता दूं तराई काले खां की तरफ, यानी कि आश्रम की तरफ जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, तो आप लोग बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहोगे। दोस्तों आते रहेंगे पर डे और मैं दिखाता रहता हूँ और आप लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। दोस्तों क्या इस RRTS पर कितना कुछ वर्क चल रहा है, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है 82 किलोमीटर का ये रूट है। दोस्तों 31,000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है, 14,000 इसमें वर्कर लग रहे हैं और 1100 इसमें सिविल इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं। दोस्तों तो देख सकते हैं परियोजना बहुत तेज़ी के साथ में चल रही है और जो इसका प्रायोरिटी सेक्शन है वो 17 किलोमीटर का पार्ट है। दोस्तों उसमें मार्च में स्टार्ट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।